जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के लिए कितना और कब तक लॉयल्टी दिखाएंगे। विपक्ष डोरे डाल रहा है, नंबर्स के जुगाड़ में इंडिया अलायंस भी लगा हुआ है। ऐसे में आने वाले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दिल्ली में दरबार सजा है एनडीए और इंडिया दोनों का। आज दोनों ही बैठकों में अंतिम फैसला लिए जाने के साफ संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में सस्पेंस अभी भी बरकरार है। आज करेंगे मुकाबला और जानेंगे कि मोदी कितने मुलायम हो पाएंगे और कितना भरोसा नायडू और नीतीश कुमार पर कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए आज के कुछ बड़े बयान। इतिहास तो गवाह है कि फायदा उसी को हुआ है जिसके साथ नीतीश कुमार रहे हैं। ये यही इतिहास है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से हम बात करेंगे। बात करेंगे, बात करने का क्या मतलब होता है? वो ऑफर दे सकते हैं आपको कि हम डिप्टी पीएम बनाते हैं तो हमने अपना निर्णय सुना दिया ना। इसके बाद कोई कुछ ऑफर देते हैं तो दें। अगर राहुल गांधी जी स्वीकारने को तैयार है नेतृत्व, तो हम विरोध क्यों करेंगे? राहुल गांधी देश के नेता है, ये प्रूव किया है। राहुल गांधी लोकप्रिय नेता है, देश की जनता ने उनको स्वीकारा है, हम सब उनसे प्यार करते हैं, हम उनको चाहते हैं सब लोग। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के ऊपर कोई मतभेद ही नहीं है। अभी हम कन्नौज से आ रहे हैं तो कन्नौज के पार्टी ऑफिस में इसी तरह से भीड़ थी और वहां लोग कह रहे थे कि अब जब अगली बार अखिलेश यादव यहां आएंगे तो नए प्रोटोकॉल के साथ आएंगे, वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मैं समझती हूँ सभी कार्यकर्ताओं की ये उम्मीद रहती है कि उनका नेता कहीं उनको उच्च स्थान पे नजर आए, तो और जिस तरह का परिणाम रहा है तो बहुत लोग आशाजनक हैं और सभी के मन में आशाएं हैं।